हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं आपको क्षीर सागर के बारे में बताऊंगी, जहां भगवान विष्णु का वास है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में ही विराजते हैं। पर क्या आप यह जानते हैं कि क्षीर सागर किसे कहते हैं? इस कलयुग में कहां है वो क्षीर सागर? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पुराणों में वर्णित है कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर और भगवान विष्णु क्षीर सागर में माता लक्ष्मी संग विराजमान हैं। क्षीर सागर भगवान भोलेनाथ की जटा से निकलने वाली गंगा से बना है। कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर दूर स्थित मानसरोवर झील को ही क्षीर सागर कहा जाता है। यही भगवान विष्णु निवास करते हैं। कैलाश पर्वत के पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम भाग को रूबी, उत्तर भाग को स्वर्ण और दक्षिण भाग को नीलम के रूप में मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के तल में कल्पवृक्ष लगा हुआ है। इसमें बहुत प्रकार के चिकित्सीय गुण पाए जाते हैं, जो शरीर के सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का इलाज करने में सक्षम है। माना जाता है कि इस झील में एक बार नहा लेने पर मोक्ष प्राप्त होता है। आपको कैलाश पर्वत की यात्रा के दौरान ही यहाँ के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। यह समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका रास्ता बहुत कठिन है। मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर तक ही होती है, लेकिन कोरोना वायरस की समस्या के चलते इस वर्ष इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हर वर्ष होने वाली इस यात्रा में लगभग 1.8 लाख तक का खर्चा हो जाता है और इसमें 75 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अब मैं आपको क्षीर सागर यानी मानसरोवर झील के बारे में कुछ रोचक बातें बताती हूँ। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इसकी 10 परिक्रमा कर लेता है, उसे 10,000 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्षीर सागर की 108 परिक्रमा करने वाला व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर परम पिता परमेश्वर में लीन हो जाता है। जो इस झील के मीठे जल का पान करता है, वह शिव के बनाए स्वर्ग में स्थान पाने का अधिकारी बन जाता है। यही कुबेर ने भगवान शिव की तपस्या करके शिव का सखा और ईश्वरीय खजाने का खजांची होने का वरदान प्राप्त किया था। ऐसी मान्यता है कि इस झील में एक बार डुबकी लगाने मात्र से रुद्र लोक में स्थान प्राप्त होता है। कैलाश पर्वत की यात्रा के दौरान मार्ग में यह पवित्र सरोवर स्थित है। यहाँ से श्रद्धालु कैलाश पर्वत के दर्शन करके अपनी यात्रा को सफल मानते हैं। यहाँ पर गर्मी के दिन में जब बर्फ पिघलने लगती है तो मृदंग जैसी आवाज आती रहती है। यहाँ पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का समागम होता है, जो ओम जैसा सुनाई देता है। दोस्तों, ये एक मान्यता थी जिसके अनुसार मानसरोवर झील को ही क्षीर सागर कहा जाता है। लेकिन अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न ये आ रहा होगा कि इसका क्या प्रमाण है। तो इसको समझने के लिए हमको विष्णु पुराण के इस श्लोक को समझना होगा। जम्बू पलाक्ष हयो द्वीपो शालमल शचाप्रो द्विज कुशह क्रौंच स्थताशाकह पुष्करश्चैन सप्तमः। अर्थात, यह क्षीर सागर कौंच महाद्वीप के चतुर्दिक अर्थात चारों दिशाओं में स्थित है। कहने का मतलब यह है कि पुराणों के अनुसार यह पृथ्वी 7 द्वीपों में बटी हुई है। यह द्वीप इस प्रकार से हैं: जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमल द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप। हर एक द्वीप का अपना अपना महत्व और वर्णन है। इनमें से क्रौंच द्वीप के चारों ओर दूध सा सफेद सागर है, जिसको हम क्षीर सागर कहते हैं। क्रौंच पर्वत के कारण ही इस द्वीप को क्रौंच द्वीप कहा जाता है। वास्तव में क्रौंच पर्वत हिमालय का एक भाग है, जो कि वर्तमान में तिब्बत का ही हिस्सा है। पौराणिक कथाओं से ज्ञात होता है कि परशुराम ने धनुर्विद्या समाप्त करने के पश्चात हिमालय में बाण मारकर आर पार मार्ग बना दिया था। इस मार्ग से ही मानसरोवर से दक्षिण की ओर आने वाले हंस गुजरते थे।
इस मार्ग को क्रौंच रंध्र कहते थे। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड में वानर राज सुग्रीव ने माता सीता की खोज में वानर सेना को उत्तर की ओर भेजते हुए तत्स्थानीय अनेक प्रदेशों का वर्णन करते हुए कैलाश से कुछ दूर उत्तर की ओर स्थित क्रौंच गिरी का उल्लेख किया है। क्रौंचम तु गिरमा साध्य बिलम तत्से सुदुर्गमम अप्रेमतः प्रवष्टयम दुप्रेवशम ही तत्समृतमम। अर्थात क्रौंच पर्वत पर जाकर उसके दुर्गम बिल पर पहुंचकर उसमें बड़ी सावधानी से प्रवेश करना, क्योंकि यह मार्ग बड़ा दुर्गम है। विष्णु पुराण और वाल्मीकि रामायण के इन श्लोकों को आधार मान के हम कह सकते हैं कि मानसरोवर झील ही क्षीर सागर है। इसको समझने और समझाने का ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, वरना भगवान विष्णु की महिमा और उनके रहस्य को जानना किसी तुच्छ से इंसान के बस की बात नहीं है। परंतु कुछ लोगों का यह भी मानना है कि क्षीर सागर आकाश गंगा यानी ब्रह्मांड में स्थित है। दोस्तों, बाकी पुराणों के अनुसार कौन से हैं ये सात महाद्वीप और यहाँ के लोगों का क्या वर्णन किया गया है और इस समय इन द्वीपों में कौन कौन से देश आते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगी। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि क्यों भगवान विष्णु क्षीर सागर में ही विराजते हैं, क्या कारण है इसके पीछे। तो इस वीडियो के पार्ट 2 का इंतजार करिए और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।